नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रिडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी में। कल का अपना साउथ अफ्रीका टीम पास हुई है, बहुत ही अच्छे अंतर से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इस मैच की बात करते हैं, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, प्लेइंग 11 में आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड्स मैंने इस मैच के लिए पिच नंबर 4 का यूज किया है, जो कि एक फ्लैट सरफेस है जहां पर बॉलर को, स्पिनर को फायदा मिलेगा और बैट्समैन को फायदा तो मिलेगा ही। तो अगर बांग्लादेश को जो है इस मैच में जीतना है तो उनको बड़ा रन बनाना पड़ेगा, जो कि मुश्किल दिख रहा है मुझे। मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही बैलेंस टीम है और शाम को बैटिंग इजी हो जाएगा। हालांकि ग्रिप अच्छी मिलेगी बॉल पे स्पिनिंग के लिए, पर जैसे ड्यू फैक्टर आ जाता है। और ये जो मैच है ये खेला जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कौन से ग्राउंड पे। ये चेन्नई के ग्राउंड पे चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है और ग्राउंड्स में फोर्थ नंबर की पिच यूज करी है। और आपको मैं ग्राउंड की लेंथ बता देता हूँ कि एक साइड तो 59 मीटर है, एक साइड होता है 68 मीटर, मतलब ऑफ साइड ऑन साइड 59 और 68 मीटर। और स्ट्रेट की बाउंड्री थोड़ी सी लंबी है 76 मीटर। देखिए दोस्तों, इंडिया ने अभी ग्राउंड की लेंथ जो है उसमें पिच जो ग्राउंड है उसका बाउंड्रीज वगैरह छोटी कर दी है, क्योंकि तो दोनों टीमें अच्छा खेल सके। ये रीजन के साथ में कि दोनों टीमें को बराबर मौका मिले। जो अच्छी टीम है वो तो खैर जीतेगी ही, पर छोटी टीम को कहीं ना कहीं फायदा मिले, इसीलिए जो लेंथ है ग्राउंड की उसमें बाउंड्री छोटी कर दी गई है। बहुत ही रोमांचक मैच हो जाते हैं और शानदार फाइट देखने को मिलती है। तो दोस्तों यार, मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस मैच को न्यूजीलैंड को ही जीतना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर बांग्लादेश को रन बनाना। हालांकि बैटिंग पिच है, पूरी सपोर्ट कर रहा हूँ मैं बैटिंग पिच का, पर जिस तरह से लाइनअप है, मैं आपको लाइनअप दिखा देता हूँ न्यूजीलैंड की टीम की। डेवन कनवे, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिंग मिशेल, टॉम लाथन, ग्लेन फिलिप्स, ये जो आपको लाइनअप दिख रही है न्यूजीलैंड की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। तो और बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस में दो में से दोनों मैच जीती है न्यूजीलैंड की टीम। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा प्रेडिक्शन। और सबसे पहले जब भी आप चैनल पे आते हो तो पूरा वीडियो देखा करो, जिससे कि आपको समझ में आए। और हर चीज अपडेट में अब मैच में नहीं कर पाऊंगा आपको, जिसको प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करना है कर सकता है। तो चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये है नंबर 1 क्रिकेट प्रेडिक्शन।